मुंगेली में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज को बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला। नवागढ़ निवासी रोशनी सोनकर जिसकी तबियत खराब होने पर नवागढ़ के झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा गलत तकनीक इंजेक्शन लगाए जाने पर हड्डी में मवाद फैल गया, जिसे चेक करवाने मुंगेली के जिला अस्पताल लाया गया। यहां विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा एक्सरे कराए जाने पर मालूम चला कि 2 महीने से ही इलाज न मिलने के कारण पूरा मवाद हड्डी में फैल कर हड्डी सड़ चुकी है। तुरंत ऑपरेशन कर डॉक्टर पारिक के द्वारा पहले ऑपरेशन में मरीज के पूरा मवाद और सड़ी हड्डी को निकाला गया। 2 दिन बाद फिर दूसरा ऑपरेशन कर बाएं पैर की हड्डी निकाल कर हाथ में लगाया गया। इस तरह से कुमारी रोशनी सोनकर का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टर श्रेयांश पारिक ने उसकी जान बचाई। यहाँ पर पारक सर ने ऑपरेशन किया मेरे बच्ची के हाथ को, और तिवारी साहब जो है जो है करते हैं ड्रेसिंग, वो भी अच्छा इलाज किए, बहुत हर कदम में हमारे सहयोग किए हैं और वो अभी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर प्राइवेट से भी अच्छा हम लोगों का इलाज हुआ, हम लोग अपने इलाज से संतुष्ट है। और गजन भैया ने भी ब्लड डोनेट में अपना सहयोग किए हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को, प्राइवेट से भी अच्छा लगा मेरे को। तिलक राम सुनकर, मेरा पुत्री है बच्ची रोशनी सुनकर। मेरे हाथ मतलब पहले तो बुखार था तो सुई लगाए थे गांव में, तो वो मवाद बन गया, पूरा सूज गया, तो वहाँ इलाज करवाया तो नहीं हुआ, तो यहाँ मुंगेली आए हैं जिला हॉस्पिटल में, तो यहाँ अच्छा इलाज हो रहा है। पारक सर वो पूरा बताए कि पहले ऑपरेशन है ना, वो हड्डी को काटे इस पास कुरकुरा हो गया था, तो पैर का हड्डी को काट कर इस पार लगाए हैं और पूरा ठीक हो गया। हाँ मवाद में हड्डी है, मतलब पहले मवाद आया उसके बाद मवाद ने ना हड्डी को कुरकुरा कर दिए। हाथ बहुत ठीक हूँ। हाँ मैं तिवारी जी रोशनी सोनकर का प्रतिदिन ड्रेसिंग करता हूँ, और इसके पहले तो इसके हाथ में पस आ गया था, इसके वजह से साइड डिफेक्ट की वजह से इनके हड्डी में कुरकुरापन आ गया। उसके बाद सेकंड इसका सर्जिकल हमारे पारक साहब महोदय के द्वारा किया गया है, और इनको एकदम लाभ एकदम संतोषपूर्ण इनको सेवा दिया जा रहा है, और हमारी सेवा से पेशेंट संतुष्ट हैं। बस हो तो गया। मुंगेली से आशीष मिश्रा के साथ उपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।